दोस्तों आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब कोई पेरेंट्स छोटे बच्चे को बाइक चलाने देते हैं तो क्या होता है। इसके अलावा ऑटो में बैठना कितना खतरनाक हो सकता है और तो और बाइक लेकर नाली में गिरे बंदे के रिएक्शन कैसे होते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल गुच्चू कार हेल्पर। तो कैम छो दोस्तों, ये वाली इंट्रो लाइन आपने शायद पहले भी सुनी होगी, शायद उसी चैनल पर जिस पर हमारे 1,60,000 सब्सक्राइबर थे, लेकिन सैडली अब वो चैनल आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, हमारी पुरानी चैनल गुज्जू कार हेल्पर को यूट्यूब ने परमानेंटली सस्पेंड कर दिया है, जिस पर 1,60,000 सब्सक्राइबर्स थे। लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, हम इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। सो प्लीज आप सभी से मेरी एक विनती है कि हमारी नई चैनल गुज्जू कार हेल्पर 2.0 को सब्सक्राइब कर जितना प्यार आपने हमारी पुरानी चैनल को दिया है उतना ही प्यार आप इस चैनल को भी दीजिए, क्योंकि अब से कार और बाइक से जुड़े सभी वीडियोस और इसके अलावा इंडियन रोड पर हुए एक्सीडेंट से जुड़ी सभी माहिती हमारे इसी चैनल पर आने वाली है। सो जल्दी से हमारी इस वाली चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों सबसे पहले तो आप इस वाले इंसिडेंट को देखिए, जिसमें एक छोटा बच्चा अपनी स्कूटी से एक बाइक वाले को ठोक देता है। दोस्तों यहाँ पर इस बच्चे को देखिए, इतने छोटे बच्चे को बाइक चलाने की परमिशन कौन देता है भाई। नहीं यार, जब हम इतने थे तो हमें तो साइकिल भी नहीं मिलती थी, और आजकल के पेरेंट्स इतने इतनों को बाइक चलाने दे देते हैं। दोस्तों ये वाली वीडियो BRS शोएब का है। यहाँ पर जब वो अपनी पल्सर लेकर के जा रहे थे, तभी सामने आ रही एक ऑटो के पीछे से एक छोटा बच्चा अचानक से स्कूटर लेकर के निकलता है, और वो बच्चा अपना स्कूटर शोएब भैया की पल्सर के साथ ठोक देता है। दोस्तों यहाँ पर शोएब भैया की कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे नुकसान उठाना पड़ा, और सामने बच्चा था इसीलिए उसे कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन फिर भी दोस्तों सभी पेरेंट्स से मेरी एक विनती है कि वो अपने बच्चे को ऐसे बाइक या स्कूटर ना चलाने दे। दोस्तों ऑटो रिक्शा के साथ हुआ ये दूसरा इंसिडेंट शायद आपको अजीबो गरीब लगे, क्योंकि यहाँ पर एक ऑटो अचानक आगे से उठकर पलट जाता है। दोस्तों अगर आपने हमारी पहले की वीडियो देखी हो तो उसमें भी एक ऑटो के साथ सेम ऐसा ही हुआ था। दरअसल यहाँ पर होता यह है कि जब भी चलती ऑटो का टायर पंचर हो जाता है तो ऑटो रिक्शा आगे से उठ जाती है। अब यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसमें चलती ऑटो में आगे का टायर पंचर हो जाता है, जिसकी वजह से ऑटो अचानक आगे से उठ जाता है और ऑटो रोड के बीच में बने डिवाइडर पर चढ़कर पलट जाता है। अब यहाँ पर एक बंदा बाइक के साथ स्लिप होकर नाले में गिर जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बाइक से गिरते ही पड़ोस वाले सब लोग उसे उठाने के लिए बाहर आते हैं, लेकिन वो बंदा खुद उठकर बाइक लेकर ऐसे निकल जाता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अब यहाँ पर एक मिनी वैन को नौसिखिया ड्राइवर चला रहा था, लेकिन तभी वो वैन कुछ इस तरह से अनकंट्रोल हो जाती है कि लोग उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे ऐसे भागते हैं जैसे कि छोटे बच्चे आइसक्रीम ट्रक के पीछे भागते हैं। सो गाइज आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके हमारी चैनल गुज्जू कार हेल्पर को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।